आंख मूंद कर दिल्ली एयरपोर्ट से घातक असलहों को दी जा रही थी कस्टम क्लियरेंस, सनसनीखेज खुलासा। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम के अधिकारी आंख मूंद कर घातक असलहों को क्लियरेंस दे रहे थे। इसका खुलासा शुक्रवार को एयरपोर्ट के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम विद्याधर बी पचौरी से पूछताछ में हुआ है। माफी मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी के असलहों को क्लियरेंस देने वाले असिस्टेंट कमिश्नर ने एसटीएफ की पूछताछ में इस चूक को स्वीकार किया है। हालांकि उन्होंने इसका ठीकरा माथहतों पर फोड़ने का प्रयास किया। अब्बास अंसारी अगस्त 2016 में स्लोवानिया से प्रतिबंधित बोर की ब्लाउजर राइफल लेकर आया था। कस्टम क्लियरेंस के दौरान उसने बताया कि बैगेज में राइफल नहीं, केवल उसके बैरल है। कस्टम के अधिकारियों ने इसकी रसीद तक देखने की जहमत नहीं की और उसे जाने दिया। जब एसटीएफ ने अब्बास के 17 लाइसेंस पर 7 असलहे खरीदने की जांच शुरू की तो पता चला कि स्लोवानिया से वापस आने पर अब्बास ने दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग अधिकारी के पास जाकर अपने लाइसेंस पर ब्लाउजर राइफल दर्ज करवाई थी। इससे पहले वे ग्लॉक पिस्टल समेत कुछ अन्य असलहे भी ला चुका है। इसके बाद एसटीएफ ने एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों और अब्बास के लाइसेंस पर शस्त्रों का ब्यौरा दर्ज करने वाले दिल्ली पुलिस के अफसरों को तलब करना शुरू कर दिया। एसटीएफ ने तत्कालीन कस्टम सुपरिटेंडेंट कुलदीप से गत 23 फरवरी को पूछताछ की थी। एयरपोर्ट के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम विद्याधर बी पचौरी ने एसटीएफ के अधिकारियों से कहा कि अब्बास अंसारी के असलहे की क्लियरेंस की फाइल सुपरिटेंडेंट कुलदीप ने उनको दी थी। उन्होंने कुलदीप पर भरोसा कर फाइल पर दस्तखत कर दिए थे। उन्होंने माना कि इस तरह असलहों की क्लियरेंस देने में बड़ी चूक हुई है।